हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से चल रहा है और एग्ज़ामिनेशन के लिए आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो में एक बार फिर से जो टॉपिक्स क्लास में रिवाइज हुई हैं, राइट, एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से रिवाइज कर लूँ। सो बेसिकली आज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इन डिटेल फिर से एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है, और फिर जो टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है बेसिक, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, राइट। सो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में आपको जैसे पता है कि बेसिकली वी ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस ट्रेंड बेस्ड ऑन दी पास्ट एंड प्रेजेंट प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा, राइट। सो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम। ये दो चीज़ें आपको हमेशा यूज़ करनी है एग्जामिनेशन पेपर में। टेक्निकल एनालिसिस में ओनली दो चीज़ें देखी जाती हैं, प्राइस मूवमेंट देखा जाता है, प्राइस का ट्रेंड देखा जाता है, एंड वॉल्यूम देखा जाता है, राइट। इन दोनों चीज़ों के आधार पर डिफरेंट इंडिकेटर्स को डेवलप किया गया है, जिसके बेसिस पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस ट्रेंड क्या रह सकता है। बट अगेन, दिस इज़ अ काइंड ऑफ गेस, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जो कि आप लोगों ने इफिशियंट मार्केट थ्योरी में पढ़ा होगा, राइट, डॉ थ्योरी में पढ़ा है, राइट, और रैंडम थ्योरी में भी पढ़ा है कि मार्केट मूवमेंट्स आर कंप्लीटली रैंडम। बट अगेन, दोज थ्योरीज आर सेपरेट। आज जो हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसमें बेसिकली हम करते क्या हैं, तो जो पहला पॉइंट जो आप लोगों को लिखना है वो लिखना है, इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड प्रिडिक्टिंग स्टॉक मूवमेंट्स बेस्ड ऑन पास्ट मार्केट डेटा। मतलब पास्ट में जो भी डेली बेसिस पे प्राइस का जो मूवमेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका कैंडल स्टिक क्या बताता है, ओपन हाई लो क्लोज बताता है, तो वो क्या मूवमेंट रहा है पास्ट में, एक महीने में प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्शंस करते हैं, राइट। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है, अगर प्राइस डेली बेसिस पे बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2 दिन पहले प्राइस अगर 10 रुपये था और 1 दिन पहले प्राइस अगर 15 रुपये हो गया और आज प्राइस 20 रुपये हो गया, दैट मीन्स प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही डाउन ट्रेंड क्या होगा, मतलब 2 दिन पहले अगर प्राइस 15 रुपये था, 1 दिन पहले प्राइस अगर 10 रुपये हो गया और आज प्राइस 5 रुपये हो गया, यानी प्राइसेस गिर रहे हैं, तो इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलेंगे, राइट। तो इसके बेसिस पे जो एनालिसिस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल। बेसिकली इसमें चार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बार ग्राफ्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो टेक्निकलिटी, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो उस एनालिसिस को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इज अ प्रोसेस यूज टू एग्जामिन एंड प्रिडिक्ट, अगेन ये वर्ड आपको यूज करना है, प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइसेस की, मतलब फ्यूचर में क्या होगा। अब ये क्यों किया जाता है, बिकॉज जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी इच्छा होती है कि बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, जो कि पास्ट में अभी चल रहा है, उसके बेसिस पे कुछ प्रॉफिट लेके हम लोग निकल जाए मार्केट से, राइट। मतलब उनकी इच्छा ये होती है कि कम दाम पे खरीदें, और अगर फ्यूचर में प्राइस अगर बढ़ने वाला है, उनको ऐसा लग जाता है, तो वो आज खरीदेंगे, जब प्राइस बढ़ जाएगा उसके बाद बेच देंगे। तो ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है, और बेसिकली पर्पस इसका सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग होता है, ठीक है। आप लोग, बहुत लोग एग्जाम में इन्वेस्टिंग लिख देते हो, टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ इन्वेस्टिंग में होता है, ऐसा नहीं होता है। टेक्निकल एनालिसिस का ओनली पर्पस सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, इसमें हम लोग चार्ट्स देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं, और भी अदर फैक्टर्स देखते हैं, राइट। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है, अनलाइक फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में आपको पता है, EIC, दैट इज़ योर इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस जो हम करते हैं। तो उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस फोकस करता है ट्रेडिंग सिग्नल्स, इससे वो लोग सिग्नल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कुछ सिग्नल मिल जाए जिसके बेसिस पे वो लोग पता कर पाएँ कि आगे फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है, वही अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको जो लिखना है, टेक्निकल एनालिसिस प्राइजेस द करेंट और पास्ट प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी एज द बेस्ट इंडिकेटर। मतलब आज जो प्राइस है और जो पास्ट में जो प्राइसेस रहा है, उसके बेसिस पे ये लोग प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में लिखनी है। आई होप आपको सारी कॉन्सेप्ट्स समझ में आ चुका है, बट दी ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ी मेहनत करनी है कि इन सारी चीज़ों को आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, राइट।
इसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो जो पहली जो चीज़ है, जो डिफरेंस है, वो ये है कि सिक्योरिटी का प्राइस जो होता है, सिक्योरिटी का प्राइस वो दो चीज़ें डिटरमाइन करती है। वो क्या करती है? प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम। जैसे कि मैंने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीटली फोकसेस ऑन सिक्योरिटी, प्राइस एंड वॉल्यूम, राइट? पास्ट में क्या प्राइस रहा है और वॉल्यूम का क्या ट्रेंड रहा है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, बायर्स बढ़ रहे हैं या बायर्स घट रहे हैं, सेलर्स बढ़ रहे हैं या सेलर्स घट रहे हैं। तो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो रहा है डेली बेसिस पे, कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, उसको हम लोग वॉल्यूम के थ्रू जानते हैं, राइट? तो उसका भी डेटा डेली बेसिस पे वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे। वहाँ से वो डेटा वो लोग निकालते हैं और उसके बेसिस पे एक डेटा प्राप्त करते हैं कि आज इतने लोगों ने ट्रेड किया, इतने लोगों ने बाय किया, इतने लोगों ने सेल किया, फॉर एग्जांपल, और जिसकी वजह से प्राइस में ऐसा मूवमेंट हुआ। तो उसके बेसिस पे जो प्रेडिक्शन करते हैं उसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, राइट? फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस फोकस करता है सिक्योरिटीज का इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो प्राइस अभी मार्केट में है किसी भी स्टॉक का, वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब यही होता है, ठीक है? और वो कैसे करते हैं? तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी में कोई स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है, उसमें आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इकोनॉमी का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, राइट? मार्केट कंडीशंस क्या है, ठीक है, और भी अलग जो फैक्टर्स हैं लाइक एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या हैं, तो वो सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में देखी जाती है, राइट? जो सेकंड डिफरेंस है वो आपको लिखना है एग्जाम में, कि जो टेक्निकल एनालिसिस है, जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ प्राइस एंड वॉल्यूम का डेटा उसमें हम लोग एनालाइज करते हैं, राइट? तो डेटा से रिलेटेड काम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ? कि दी स्टडी इन विच वी ओनली डील विद डेटास, सो दैट विल बी नोन एज क्वांटिटेटिव इन नेचर, राइट? फंडामेंटल में हम सिर्फ डेटा से प्ले नहीं करते हैं, हम और भी सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें क्वालिटी क्या है स्टॉक की, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, राइट? कंपनी का रिलेशन कैसा है अपने सप्लायर्स के साथ, कंपनी इंडस्ट्री में कैसा परफॉर्म कर रही है, तो कुछ क्वालिटीज़ भी देखी जाती है। एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो एनालिसिस किया ही जाता है, तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलेंगे, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं उनका भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल एनालिसिस में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो ये दो डिफरेंसेस आपको लिखने हैं एग्जाम में, राइट? इसके अलावा जो तीसरा जो डिफरेंस है वो आपको लिखना है कि टेक्निकल एनालिसिस इज डन फॉर ट्रेडिंग। हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है और आपको ये लिखना ही लिखना है, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपको ट्रेडिंग में यूज होता है। फंडामेंटल एनालिसिस इज डन फॉर इन्वेस्टिंग, ठीक है, वेरी सिंपल। फंडामेंटल एनालिसिस जो करते हैं वो इन्वेस्टिंग पर्पज के लिए करते हैं। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं कि वैल्यू स्टॉक क्या है और ग्रोथ स्टॉक क्या है, राइट? जो चौथा जो डिफरेंस है वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस इज डन फॉर शॉर्ट टर्म। ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब आज क्या प्राइस है, कल एक दो तीन चार पाँच दिनों में क्या प्राइस होने वाला है वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं, बाई करते हैं और सेल करते हैं, पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। वेयर एज फंडामेंटल एनालिसिस, चूंकि आप लोगों ने फंडामेंटली कंपनी को पढ़ा है, राइट, और आपको विश्वास है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक पोजीशन आप लोग क्रिएट करते हैं, स्टॉक खरीद के रखते हैं, आपको विश्वास है कि स्टॉक अच्छा रिटर्न देगी और आने वाले एक साल में या फिर डेढ़ साल में या जब भी आपकी आपका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो कंप्लीट हो जाता है तो उस पोजीशन को आप लोग एग्जिट कर लेते हैं, राइट? तो ये बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। टेक्निकल एनालिसिस में जैसा कि कहा गया है कि चार्ट एनालिसिस इज डन, चार्ट्स को हम लोग रीड करते हैं, चार्ट्स में क्या ड्रॉ करते हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा लेते हैं, राइट? फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस इज डन, राइट? इसमें चार्ट करते हैं, इसमें स्टेटमेंट्स करते हैं। टेक्निकल में क्या करते हैं, इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द राइट टाइम टू इंटर और एग्जिट द मार्केट।
ये कंप्लीटली स्पेकुलेटिव इन नेचर है, ये कब आपको राइट टाइम है इंटर करने का और कब आपको एग्जिट करना है मार्केट से, राइट वो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। वेयर एज फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव इज टू आइडेंटिफाई द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक। इंट्रेंसिक मतलब जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड होगा तो उसको हम लोग खरीदेंगे एज अ इन्वेस्टर, और अगर ओवर वैल्यूड होगा तो आपको क्या करना है, उसको सेल करना है, राइट। टेक्निकल एनालिसिस में जो लास्ट डिफरेंस है वो कहता है कि कैंडल स्टिक एंड कॉन्फिडेंस इंडिकेटर्स, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये सारी चीजें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में पढ़े हुए थे, राइट। ओके, नाउ फंडामेंटल एनालिसिस में आपको याद होगा, ठीक है, सबसे पहले EIC, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस एंड कंपनी एनालिसिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। स्टार्टिंग हम जो करते हैं, जो टॉप डाउन अप्रोच होता है, उसमें सबसे पहले इकोनॉमी का एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, देन इंडस्ट्री, उस इकोनॉमी में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगे, राइट, तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, फिर उस इंडस्ट्री में जो कंपनी जो फंक्शन कर रही है, जिसकी वैल्यू हमें इंट्रिंसिक वैल्यू पता करनी है, उसका एनालिसिस करते हैं, राइट। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल। आई होप ये डिफरेंसेस अभी आपको क्लियर हो गए होंगे, और एक तरह से देखा जाए तो आपका रिविजन भी हो गया होगा। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ये सारे डिफरेंसेस प्लस इसका जो टेक्निकल एनालिसिस का जो डेफिनेशन है वो एग्ज़ाम में आप लोग लिख के आइएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए और मेहनत कीजिए एंड डू वेल। अगर कोई फिर भी डाउट है तो यू कैन लेट मी नो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।